हेलो एवरीवन। तो ड्रामा स्टार्ट होता है हमारे मेन लीड की इंट्रोडक्शन से, और उसका नाम है सेहोन। सेहोन कोरिया की एक बहुत ही फेमस एंटरटेनमेंट एजेंसी का सीईओ है, और अभी तक उसने जितने भी स्टार्स पिक किए हैं वो सारे के सारे बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज बन चुके हैं। जिस पर वो हाथ रखता है या जिसे वो पॉलिश कर देता है, उसे सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। हिडन टैलेंट की जो उसमें पहचान है वो किसी और में नहीं। आज वो एक डायरेक्टर के साथ मीटिंग में गया हुआ था, और यहाँ पर डायरेक्टर के साथ उसका यही झगड़ा था। डायरेक्टर चाहता था कि वो नाम हियोक को नई सेलिब्रिटी बनाए, लेकिन वो इसी प्रोजेक्ट पर जीवन को रखवाना चाहता था। सबसे पहले तो वो डायरेक्टर को याद कराता है कि 70% इन्वेस्टमेंट मेरी तरफ से आ रही है, तो इसलिए फैसला करने का अधिकार भी मेरा बनता है। और साथ ही साथ वो उसे एक फोटो दिखाता है, जो कि देखकर डायरेक्टर कहने लगता है कि ये क्या, ये फोटो आपने हॉलवे से उतरवा ली नाम हियोक की? बिना पूछे ऐसे तो नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा स्टेप है। और यहीं पर ही वो इस फोटो की तारीफें भी करने लगता है कि देखो इस फोटो की लुक सही लगता है कि ये एक सुपरस्टार है, इसका फिगर, इसका चार्म, ये बहुत जल्दी हिट कर जाएगा। और वो उसकी इतनी सारी तारीफें कर रहा था कि इन दी एंड सेहोन उससे कह कि तुमने अब अपने मुंह से इसकी तारीफें की हैं, इसीलिए शब्द से पीछे ना हटना, ये वाकई एक सुपरस्टार बनने वाला है। और वहीं पर एक दूसरी फोटो आती है, तो पता चलता है कि वही फोटो जो उसने पहले दिखाई थी, जिसकी वो डायरेक्टर तारीफें कर रहा था, वो जी वॉन की थी, और नाम है उसकी फोटो उसने वहां से उतरवा के साइड पे कर ली थी। अब ये देखकर तो डायरेक्टर ही शॉक रह जाता है, उसने उनकी इतनी ज्यादा बारीकियों पर गौर नहीं किया था। और यहाँ पर सेहोन उसे यही वार्निंग देता हुआ चला जाता है कि मुझे सब पता है, उसके रिच डैड ने तुम्हें कितना सारा पैसा और स्पॉन्सर ऑफर किया है, इसीलिए तुम एक टैलेंट के साथ ज्यादती करने जा रहे हो। वो उसे धमकाता हुआ वहां से निकल जाता है। अब जैसे ही बाहर पहुंचता है तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि देखिए बात फिक्स तो करके आते, मुझे लगता है डायरेक्टर नहीं मानेगा। और यहीं पर सेहोन बहुत नखरे से अपना फोन निकालता है और कहता है कि मैं 5 तक काउंट करूंगा, देखना। उसका फोन अभी आया, पर काउंटिंग तो कंप्लीट हो गई थी, कॉल अभी तक नहीं आई थी। सेक्रेटरी, जो कि हम कह सकते हैं कि सेहोन का बहुत क्लोज फ्रेंड भी है, वो उसे 100-100 बातें लगाने लगता है कि आप इतने एरोगेंट हो जाते हैं, किसी फिल्म स्टार की तरह नखरे से बाहर निकल आए, पूरी बात तो तय कर लेते पहले। अभी उसकी बातें ये खत्म ही नहीं हुई थी कि इतने में उसे कॉल आ ही जाती है। ये तो हो ही नहीं सकता था कि सेहोन किसी काम में हाथ डाले और वो पूरा ना हो। दूसरी तरफ हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं, जो कि आजकल सियोल में आई हुई है, और वो इतनी सादा और सिंपल सी लड़की है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कुछ लोग इतने बड़े शहरों में कैसे धोखा देते हैं। और दूसरी तरफ सेहोन को दिखाते हैं, वो अपनी एक अपॉइंटमेंट पर पहुंचा हुआ था अपने साइकोलॉजिस्ट के पास, और ये साइकेट्रिस्ट हमेशा उसके सेशन लिया करता था। एक्चुअली सेहोन को लगता था कि वो इतना ज्यादा काम का बर्डन लेता है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, इसलिए उसे साइकोलॉजिकल असेसमेंट अक्सर कराते रहना चाहिए। वो अपने जो भी इश्यूज होते थे जाकर इसी डॉक्टर से डिस्कस करता था, लेकिन उसकी बातें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती थी कि कभी कभी डॉक्टर ही डिप्रेशन में चला जाता था, और उसे ऐसा लगता था कि मैं इसे जवाब नहीं दे पाऊंगा, बल्कि मैं खुद ही एक पेशेंट बन जाऊंगा। और आज भी वो अपने काम की सारी टेंशन और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उससे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करता है कि डॉक्टर ही घूम के रह जाता है। लगता है कि उसने इतने साल जो साइकी पढ़ी थी, उससे भी बड़ा प्रोफेसर अब उसकी साइकी को ठीक करने के लिए पहुंचा हुआ है। इसी बीच से उनको अपने सेक्रेटरी की बार बार कॉल आ रही थी। एक्चुअली एक एमरजेंसी बन गई थी, उनकी एक स्टार थी जिसका नाम मिंजू था, आज वो काम से भागी हुई थी, उसका फोटोशूट था जिसके लिए वो आ ही नहीं रही थी, और सारे लोग बॉडीगार्ड समेत उसके पीछे पड़े हुए थे ताकि किसी तरह पकड़ कर उसे वापस ले आ सके। अब वो इंडियन एक कॉर्नर में फंस जाती और चिल्लाने लगती है कि मुझे किडनैप करने वाले हैं, और वहीं पर ही सेक्रेटरी के सर पर कोई डंडा दे मारता है, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामे की फीमेल लीड थी। एशली रियोंग बिल्कुल सिंपल सी लड़की थी, उसे इस शहर के लोगों की कॉम्प्लिकेशंस और नाटकबाजियां बिल्कुल समझ नहीं आती थी। दूसरी तरफ सेहोन जैसे ही उस साइकेट्रिस्ट के पास से उठता है, तो साइकेट्रिस्ट खुद जाकर एक दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास बैठ जाता है, और वाकई उसका मेंटल ट्रॉमा बहुत बढ़ गया था जब से उसने सेहोन के सेशंस लेने स्टार्ट किए, और सामने वाला डॉक्टर भी उसे यही डायग्नोस करता है कि उसे बहुत डेंजरस लेवल की वर्क स्ट्रेस है, जो कि डिप्रेशन में बदल चुकी है। उधर सेक्रेटरी की जब कॉल आती है तो उसके सिर पर चोट भी लगी हुई थी, और उसकी दर्द से आहें भी निकल रही थी, और साथ साथ वो ये भी बता रहा था कि मिंजू भाग गई है। और ये बात सुनते ही सेहोन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, और तुरंत ही यू टर्न लेता है और कहता है सब मेरे पर छोड़ दो। यहाँ पर सेक्रेटरी को बहुत टेंशन हो रही थी, कहता है कि अब मैं उस शूट के और रिहर्सल के लिए लड़की कहाँ से लेकर आऊँ, और यहीं पर ही उसकी नज़र पड़ जाती है हमारी रियोंग पर।
वो तुरंत ही उसके सामने पहले तो झुकता है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि नहीं, और उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता है तुमने मुझ पर असॉल्ट किया है, और ये तो मर्डर अटेम्प्ट भी नहीं जा सकती जितनी ज़ोर से तुमने मेरे सर में डंडा मारा है। अब या तो तुम कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करो या फिर मेरी हेल्प करो। हमें इस वक्त एक मॉडल की ज़रूरत है। जो लड़की भाग गई है उसे तुमने भगाया है, तुम ही रिप्लेस करोगी। अब रियोंग सीधी सादी सी लड़की उसकी बात मान जाती है और उसके साथ अब वो शूट पर पहुंच चुकी थी। वहां पर उसका मेकअप किया जाता है और वो लोग उसे प्यारा सा रेडी कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ सेहोन वो कहीं ना कहीं से मिंजू को पकड़कर एन टाइम पर वहां पर लेकर आ जाता है और उसे शूट के लिए भी मना चुका था। लेकिन जैसे ही वो अंदर आकर देखता है तो एक और लड़की का फोटो शूट हो रहा था। वो लड़की बहुत सुंदर थी और यही टाइम था कि जैसे रियोंग को देखते ही उसे उससे फर्स्ट टाइम लव हो चुका था। वो यही देख के जा रहा था कि इस तरह की क्यूटनेस और इतनी सुंदरता उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी ब्यूटी बिल्कुल नेचुरल थी और उसकी स्माइल भी। वेल, अब वो लोग फोटोशूट पर तो मिंजू को उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं, और उसके बाद जब सेहून बैठा हुआ था तो उसे पता चलता है कि अंदर ड्रेसिंग रूम में एक आफत आ गई है और एक लड़की है जो किसी से भी कंट्रोल नहीं हो सक रही। अब जो कोई भी ड्रेसिंग रूम के सामने भी आता था उसके ऊपर कोई ना कोई चीज वो दे मारती थी। रियोंग बहुत गुस्से में खड़ी हुई थी, लेकिन उसके गुस्से की रीज़न क्या है ये तो हमें भी पता नहीं चलता। लेकिन हमारा सेहोन जो कि सबसे ज़्यादा बहादुर था, वो आगे बढ़ता है और इन दी एंड जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन यहीं पर ही सेहोन ने कुछ ऐसा देख लिया था जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था। एक्चुअली रियोंग से वो लोग डिज़ाइनर ड्रेस उतरवा कर चले गए थे और उसके खुद के कपड़े तो मिल नहीं रहे थे, इसीलिए वो काफ़ी देर से वहाँ पर चिल्ला रही थी। अब जो कुछ सेहोन ने देखा था तो इसी बात पर उसे एक ज़ोरदार पंच भी पड़ जाता है, और ये सीन देखकर हर कोई शॉकिंग रह जाता है। उनके इतने बड़े सीईओ पर कोई ऊंची आवाज में बोल नहीं सकता था, आज किसी लड़की ने हाथ ही उठा दिया है। अब थोड़ी देर बाद इस शॉक में से जैसे ही सेहोन बाहर निकलता है तो वो पूछने लगता है कि वो लड़की कहाँ है, उसकी जरूरत कैसे हुई, मुझ पर तो आज तक मेरे पेरेंट्स ने बचपन में भी हाथ नहीं उठाया था। इतने में सेक्रेटरी कहने लगता है कि एक्चुअली गलती हमारी भी थी, हमने उस लड़की के कपड़े उसे वापस नहीं किए और इतनी देर से सबको आवाजें दे रही थी, हर कोई बिजी था। तो उसका इस तरह का तो रिएक्शन बनता ही था, और आप भी ऊपर से वहां पहुंच गए कुछ सोच समझ के आगे बढ़ते। लेकिन सेहोन कहने लगता है कि उस लड़की को यहाँ पर लेकर कौन आया था, तुम तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी उसकी केयर करने की। सेहोन बहुत चालाक था और हमेशा वो शब्दों के खेल में कभी भी नहीं हारता था। अब सेहोन फुल गुस्से में जाता है और उस लड़की को अपने सामने बिठा लेता है। अब वो उसे डांटने लगता है कि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई और तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, पता है मैं तुम्हें मिलियन डॉलर्स के लिए सो भी कर सकता हूँ। लेकिन वो लड़की भी किसी से काम नहीं थी, वो जानती नहीं थी कि ये कौन है तो उसके रोब में कैसे आती। उससे कहने लगती है कि जो तुमने मेरे साथ किया और तुम्हारी कंपनी ने, इसके लिए मैं तुम्हें 10 मिलियन डॉलर के लिए भी सू कर सकती हूँ। और वाकई जो कुछ सेहोन ने देख लिया था उसके बाद उसे खुद ही शर्म आने लगती है और वो शांत होकर बैठ जाता है। आप सेक्रेटरी यहाँ पर दोनों को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहीं पर सेहोन बार बार उसे नोटिस कर रहा था कि उसमें बिल्कुल सेलेब्रिटीज़ की तरह से नखरा है और उसके अंदर लुक एक फ्यूचर के सुपरस्टार की है। अब एक दफ़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉल करने के लिए सेहोन वहाँ से उठ कर जाता है तो पीछे सेक्रेटरी बार बार रियोंग के उसी हाथ से हाई फाइव किए जा रहा था जो उसने थोड़ी देर पहले सीईओ पर उठाया था। वो सोचने लगता है कि ये हैंड कितना लकी है और ऐसा नज़ारा मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा जो तुमने कर दिखाया है। अब थोड़ी देर बाद सेहोन आगे आता है और उस लड़की से कहने लगता है कि रियोंग मैं तुम्हें रेज करने के लिए तैयार हूँ। वो बोलती है मैं पहले ही काफ़ी बड़ी हो चुकी हूँ। अब सेक्रेटरी एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली रेज करने का मतलब यह है कि तुम्हें एक स्टार बनाने वाले हैं, एक सेलेब्रिटी की शक्ल में रेज करने वाले। जिस पर हाथ रखते हैं वो सुपरस्टार बन जाता है, शायद तुम्हें इनकी इंपॉर्टेंस नहीं पता। लेकिन वो आगे से कहती है मुझे कोई सुपरस्टार नहीं बनना, मुझे सिर्फ मेरे कपड़े वापस चाहिए। अब इसी बात पर सेहोन को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ये जगह एक हेल है क्लोथ्स के लिए, एक दफ़ा गुम हो जाए तो नहीं मिलते, जो पहना इसी पर गुजारा करो। अब वो उसकी बात पूरी सुनना ही नहीं चाहती थी, वहाँ से जा रही थी। ये बहुत इंसल्टिंग थी। वो उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे एक दफ़ा पीछे धक्का दे देती है। अब वो सीधा नीचे जाकर गिरा तो उसका सिर लगा था, और बस इतनी ही इंसल्ट वो सह सकता था, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती तो बेहोश ही हो जाता है। सेक्रेटरी चेक करता है कि नहीं, इसकी सांसें चल रही हैं, ये जिंदा है। बस तुमने आज मेरी दो बड़ी विशेष पूरी कर ली हैं, अब तुम यहाँ से भाग जाओ। और जैसे ही उसे भगाता है थोड़ी देर बाद सेहोन होश में आ जाता है और उस लड़की को तलाश करने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। और जैसे ही वो बस पर चढ़ने वाली थी वो उसे रोक लेता है, और इसी टाइम पर वो दोनों काफ़ी क्लोज आ गए थे। एक्चुअली वो तो उसे सू करने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन यहीं पर ही एंड टाइम पर एक सीईओ जंग पहुंच जाता है, और ये होता है हमारे सीईओ सेहोन का एक ओपोनेंट, जिसने एक बड़ा तगड़ा वकील करा हुआ था।
और वही वकील इस टाइम पर सेहून को बताने लगता है, इस लड़की ने तो सिर्फ हाथ उठाया है, लेकिन जिस तरह से आपने इस पर सेक्सुअल असॉल्ट किया है उसका केस आपके इमेज को भी तबाह कर देगा और आपका सारा पैसा भी डूब जाएगा कंपनसेशन देते देते। अब सेहून काफी सरप्राइज था कि ये लड़की तो बहुत पहुंची हुई है, अचानक से सीईओ जंग को कहां से लेकर आ गई। अब वो सेक्रेटरी को कह देता है कि इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके दो कि ये जंग को कैसे जानती है। अब सेक्रेटरी भी बिल्कुल एक फिल्मी कहानी की तरह से उसे सारी स्टोरी सुनाने लगता है जब उसने इन्वेस्टिगेशन करा ली थी। एक्चुअली जंग एक दफ़ा हाइकिंग पर गया हुआ था, वहाँ पर वो एक जगह जंगल में खो गया था और उसकी जान इसी लड़की ने बचाई थी जो कि माउंटेन्स में रहती है। अब वो रात को उसी के घर पर सोया था और नेक्स्ट मॉर्निंग इसी लड़की ने उसे ब्रेकफास्ट भी बना कर दिया था और सीईओ जंग बहुत खुशी से सारों को बताता है कि इस लड़की ने मेरे लिए 9 डिशेस बनाई थी। अब ये सुनते सुनते सेहून को काफी गुस्सा आता है। सीईओ जंग से उसकी दुश्मनी बड़ी पुरानी थी, सीईओ जंग उसके स्टाइल को भी अक्सर कॉपी करता रहता था। अब इसी बात की टेंशन जैसे ही सेहून को पहुंचती है वो तुरंत ही अपने साइकेट्रिस्ट के पास पहुंच जाता है सेशन लेने के लिए और दोबारा से उस बेचारे को पागल करके रख देता है। और तो और बातों बातों में उसे ये भी कह देता है कि मैं जिसे चाहूँ सुपरस्टार बना सकता हूँ, इवन के तुम्हें भी। और यहाँ पर वो डॉक्टर खुद को सुपरस्टार के रूप में ही इमेजिन करने लगता है। वेल, अब जब तक वो ऑफिस में वापस आता है उसके स्टाफ ने एक पूरी रिपोर्ट रेडी करी हुई थी रियोंग के सारे बायोडाटा को इकट्ठा करके, और हमें पता चलता है कि रियोंग ओरिसान के एरिया में रहती है। वहाँ पर माउंटेन्स में एक छोटी सी जगह थी, वहाँ पर उसकी अकेली का घर था। जब से उसके दादा की डेथ हुई थी वो वहाँ पर अकेली ही रहती थी, उसकी कोई फैमिली कोई रिलेटिव्स भी नहीं थे। सिर्फ एक शॉपकीपर अंकल ही उसे जानते हैं जो कि पहाड़ों से नीचे अपनी शॉप चलाते हैं। अब सारी रिपोर्ट तो सेहून अच्छे से सुन लेता है, लेकिन इन दी एंड सबको डांटने लगता है कि ये नहीं पूछा था मैंने तो ये पूछा था कि इस लड़की को अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए तुम लोगों की क्या तैयारी है। और फिर सबको डांट कर वहाँ से चला जाता है कि तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, मैं ही हैंडल करूंगा। अब वो तुरंत ही पहुंच जाता है ओरिसान में। वहाँ पर जाकर वो उसी शॉपकीपर अंकल से पूछता है रियोंग के बारे में, तो वो कहते हैं कि ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी, ऊपर माउंटेन में सिर्फ एक रियोंग का ही घर है। लेकिन सेहून कहाँ किसी की बात सुनता है, वो वहीं पर ही गाड़ी से चला जाता है। लेकिन आगे रास्ता बंद होने के कारण उसे चलना पड़ता है। वो सोचता है कि मैं तो इतना फिट हूँ, मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं होने वाली। लेकिन जैसे ही वो जंगल में आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि मेरी तो बैंड ही बज गई है और मैं बिल्कुल भी फिट नहीं। और तो और वो एक गलत पहाड़ी पर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे अपने सिर में मिट्टी डालकर यहीं पर बैठ जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी किस्मत अच्छी थी, उसे कहीं से डॉग के बार्किंग की आवाज़ आती है और वहीं पर ही वो सुनने लगता है। और जब वो उसी साइड पर देखता है तो उसे एक छोटा सा घर दिखाई दे जाता है। अब वो किसी तरह से उसी घर तक पहुंच चुका था, पर घर तो लॉक था, अंदर कोई भी नहीं था सिवाय डॉग के, और घर के बाहर कुछ राइस केक्स पड़े हुए थे। ये देखकर उसे इतनी भूख लगती है कि उसका मन करता है कि भिखारियों वाला खाना भी वो ही खा जाए, लेकिन फिर सोचने लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता, लेकिन जब ज़्यादा भूख लगती है तो ये भी खाना पड़ता है। वेल, अब वहीं पर ही थके थके वो बैठता है, सो जाता है। इतने तक रात हो गई थी। वो सोचता है कि लड़की अभी तक वापस क्यों नहीं लौटी। साथ ही उसे पानी में कूदने की आवाज़ आती है। वो जाकर देखता है तो वहाँ पर एक झील थी जिसके अंदर रियोंग लेटी हुई थी। उसे लगता है कि शायद ये तन्हाई की वजह से तंग आकर यहाँ पर अपनी जान लेने वाली है, और वो उसे बचाने की खातिर तुरंत ही हीरो की तरह से पानी में कूद जाता है। लेकिन वो तो वहाँ पर सिर्फ एक वार्म बाथ ले रही थी। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर चीखें मारने लगते हैं। रियोंग तो उसे देखकर वहाँ से भाग रही थी, लेकिन बेचारे सेहून को इस वक्त लेग क्रैम्प हो जाता है जिसकी वजह से वो स्विमिंग नहीं कर पाता और डूबने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो तो बचा लिया गया है और रियोंग के घर पर है, लेकिन इस हालत में है कि उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ। वो बहुत चिल्लाता है और कहता है कि ये सब तुमने क्या किया, क्यों किया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई, क्या तुम हैंडसम बॉयज की कोई प्रेडेटर हो क्या। लेकिन वो बेचारी यही कहने लगती है कि अगर मैं तुम्हारे कपड़े ना बदलती तो तुम्हें वेट कपड़ों में रहने की वजह से फीवर हो जाता, और मुझे भी कोई शौक नहीं है, मैंने ये सारा कुछ आइज क्लोज करके किया था। और साथ ही साथ वो सेहून को ये भी कहने लगती है कि शायद अब तुम्हें रियलाइज हो कि मेरे साथ उस दिन तुमने क्या करा था। अब जैसे ही वो बाहर जाती है बेचारा सेहून ऐसे ही तड़प रहा था जैसे कोई 16 साल की लड़की तड़प रही हो। अब थोड़ी देर बाद वो उसे अपने दादाजी के कपड़े देकर गई थी वो वही पहन लेता है और वहाँ पर कैंडल्स जलाने लगता है। एक्चुअली माउंटेन्स में इस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो इसी तरह गुजारा करना था। यहाँ पर उसे लगता है कि जैसे उसने एक स्नेक देखा है, वो बहुत चिल्लाता है। इतने में रियोंग अंदर आती है तो उसे कहने लगता है कि एक्चुअली मैं डरा नहीं था, यहाँ पर एक स्नेक था, मैं उसे पकड़कर मारने ही वाला था, लेकिन मैंने सोचा तुमसे पूछ लूँ कि कहीं तुम्हारा पेट तो नहीं है।
और रियांग जाकर चेक करती है तो वहाँ पर सिर्फ एक रोप थी जो कि उसके दादाजी क्लाइंबिंग के लिए यूज करते थे। अब सेहोन बहुत डरा हुआ था लेकिन वो शो भी नहीं कराना चाहता था। उसका हाथ पकड़कर उसे कहने लगता है कि देखो तुम अकेली लड़की कहाँ सोगी, यहीं पर ही लेट जाओ, हम इकट्ठे लेट जाएंगे, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। और जब वो नहीं मानती तो वो उसके सामने अपनी तारीफें करने लगता है और कहता है कि तुम कितनी लकी हो कि मैं तुम्हारे घर पर एक रात बिताने के लिए आया हूँ, वरना सेओल में तो लड़कियों की लाइन बंधी हुई होती है और मैं किसी को लिफ्ट भी नहीं कराता। अब वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन सेहोन रेजिस्ट कर रहा था और इसी बीच वो नीचे गिर जाती है और सेहोन उसके ऊपर। अब यहाँ पर वो दोनों ही काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं और उसके बाद सेहोन उससे कहने लगता है कि तुमने अब से पहले दो दफा मुझ पर हाथ उठाया लेकिन देख लो स्ट्रेंथ में मैं भी किसी से कम नहीं। वेल यहाँ पर रियांग उसे हटाती है और उसके बाद वहाँ से बाहर चली जाती है। अब वो थोड़ी देर बाद दोबारा से उसके कमरे के बाहर जाता है और उससे कहने लगता है कि तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही थी और यहाँ पर सेहोन को इतना डर लग रहा था कि वो बेचारा कांपने ही लगता है। और अब की बार वो अपना डर नहीं छुपाता बल्कि उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है मुझे एक लड़की ही समझ लो, बस अपने कमरे में रख लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। और फाइनली रियांग को उस पर कुछ दया आ ही जाती है। जबकि उधर सेओल में दिखाते हैं वहाँ पर तो हर कोई बहुत खुश था क्योंकि पूरा दिन हो गया था बॉस नजर ही नहीं आ रहा था और ना ही बॉस का फोन लगता था। जबकि उधर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सेहोन उठता है तो पता चलता है कि जिस रोप से उसने अपना और रियांग का हाथ बांधा है वो तो फेक थी और उसके दूसरे सिरे पर रियांग थी ही नहीं। वो बस इसी आश्रय में सारी रात खुश रहा था कि जब भी कोई मुश्किल हुई रियांग पहुंच जाएगी। वेल अब रियांग उसके लिए नाश्ता बनाती है और यहाँ पर वो देखता है तो सिर्फ 5 डिशेस थी। वो यहाँ पर काफी गुस्से में आता है क्योंकि उसने सुना था कि सीईओ जंग के लिए तो इसने 9 डिशेस बनाई थी, इसका मतलब है कि ये मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। लेकिन खाना बहुत मजे का था, वो कल का भूखा भी था तो सारा खा जाता है। और फिर उसके बाद वो कहने लगता है रियांग से कि मेरे लिए एक टोनर और सनब्लॉक तो निकाल दो। लेकिन जब वो देखता है कि इसके पास स्किन केयर के नाम पर सिर्फ 2 आइटम्स हैं तो ये देखकर वो हैरान रह जाता है। एक्चुअली सेहोन अपनी स्किन केयर बहुत अच्छे से करता था और उसकी वैनिटी स्किन केयर प्रोडक्ट से भरी हुई होती थी। और यहाँ पर हमारे गांव की लड़की रियांग उसको इस तरह के चौंचले करते देखकर काफी डिस्गस्टिंग फील करती है। सेहोन उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है तुम्हारे पास कौन बैठा है, इस वक्त सेओल में आग लगी होगी, सब मुझे तलाश कर रहे होंगे। और वाकई था तो कुछ ऐसा ही, लेकिन सारे उसे बड़े चिल माहौल में तलाश कर रहे थे। उन्हें ये तो था कि हमारा बॉस मिसिंग हो गया, लेकिन वो खुश भी बहुत थे कि एक दो और दिन भी इसी तरह से मिसिंग ही रहे। इतने में सेहोन को याद आता है कि वो तो इससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराने के लिए आया था और कॉन्ट्रैक्ट तो रास्ते में ही कहीं उससे गिर गया था। अब वो परेशान हो जाता और उससे कहने लगता है कि मेरा फेस ही इतना रिलायबल है, किसी को तो मैं कॉन्ट्रैक्ट समझ सकती हूँ, मेरी जुबान ही कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन ये सब बोलते हुए उसे ये नहीं पता था कि उसने बच्चों की तरह से एक पोनी लगाई हुई है और वो बिल्कुल भी रिलायबल दिखाई नहीं दे रहा था बल्कि एक जोकर लग रहा था। अब रियांग तो उसकी बात ही नहीं सुनती बल्कि अपने घर के कामों में लग जाती है और यहाँ पर सेहोन उसके पीछे पीछे रहता है, सारे कामों में उसकी हेल्प कराता है। इनफैक्ट उससे कहता है बस मेरी बात सुन लो, तुम्हारे सारे काम मैं ख़त्म करूँगा, और तो और उसकी डिशेज भी वॉश करता है। वो उसे यही कन्विंस करना चाहता था कि तुम मेरे साथ सेओल चलो और मैं तुम्हें एक स्टार बना दूंगा, हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, लेकिन उसकी इन बातों पर वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही थी। यहाँ पर एक दफ़ा वो स्लिप होकर गिरने ही वाली थी कि वो उसे आगे बढ़कर पकड़ लेता है और संभाल लेता है और उसे कहने लगता है कि देखा मैं कितना रिलायबल हूँ। पर जब वो उसकी बात नहीं मानती तो वो उसे यही कहने लगता है कि सीईओ जंग वो तुम्हारी नज़र में रिलायबल था, उस पर तुम्हें ट्रस्ट था और मुझ पर नहीं। तो वो आगे से कहने लगती है कि वो तुम्हारी निस्बत बहुत जेंटल इंसान था। अब ये सुनते ही उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में घर ही छोड़कर चला जाता है। लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि इतने दिन मैंने अपने इतने घंटे ज़ाया किए हैं, जरा इसे मनाता ही आऊँ। जब वो वापस लौट कर आता है तो देखता है वहाँ पर एक मोटा सा लड़का खड़ा हुआ था जिसका नाम था जून। और यहीं पर ही उसे उनकी बातों से पता चलता है कि कल जो राइस केक्स इसके दरवाजे के बाहर पड़े हुए थे सेहोन ने खा लिए थे, वो यही लड़का रख कर गया था। अब उसे काफ़ी डिस्गस्टिंग फीलिंग आती है और उसके बाद वो अपना कार्ड देता है रियांग को और वहाँ से उस लड़के को अपने साथ लिए निकल जाता है। और जाते जाते उसे ये भी कहकर जाता है कि अपने डॉग को कहना अलर्ट रहे, तुम अकेली लड़की यहाँ रहती हो, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखा करो। अब जूंग बाहर जाकर वो उसे 2-4 थप्पड़ भी लगाता है और उसे डांटता भी है। जूंग ने उससे एक्चुअली पूछ लिया था कि तुम इसके पीछे पीछे क्यों फिर रहे हो, क्या तुम इसे लाइक करते हो। वेल अब उसके बाद दिखाते हैं कि सेहोन सेओल वापस आ गया है और यहाँ पर वो आते ही अपने सेक्रेटरी पर चिल्लाने लगता है क्योंकि सेक्रेटरी ऊपर से तो दिखा रहा था कि मैं आपकी बहुत फिक्र करता हूँ, लेकिन एक्चुअली वो एक नई जॉब अपने लिए तलाश करने में लगा हुआ था क्योंकि उसे लगा था कि मेरा बॉस शायद टपक चुका है।
वेल, आज सेहून को अपनी बहुत इंसल्ट फील हो रही थी। एक काम पर उसने अपने 50 घंटे लगाए थे, वहाँ पर रहना और इतने लंबे ट्रैवल पर, लेकिन फिर भी वो निराश वापस लौटा था। उसे अभी तक यस नहीं आया था। वेल, अब सारे लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। यहाँ पर वो कुछ बॉयज बैंड की रिहर्सल देख रहे थे, हर कोई इंजॉय कर रहा था, लेकिन सेहून के माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ थी और वो ये थी कि पता नहीं वो लड़की जो पहाड़ों में अकेली रहती वो सुरक्षित है भी कि नहीं। उसे सारे लोगों पर शक हो रहा था कि सब उस पर बुरी नजर रखते हैं, और वो सुबह दोपहर शाम हर टाइम पर बस अपना फोन ही चेक करता रहता था कि रियांग की कॉल तो नहीं आई, लेकिन नहीं आई थी। उसे लग रहा था कि लाइफ में कोई पहली दफा उसे इग्नोर कर रहा है, और ये बात वो बर्दाश्त ही नहीं कर सक रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी तवज्जो इधर उधर हो ही जाती है, जब उन्हें पता चलता है कि उन्हीं की एजेंसी के एक आइडल का आजकल स्कैंडल आया हुआ है, और वो उसी को ही सॉल्व करने में लग जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये स्कैंडल किसी और ने नहीं बल्कि सीईओ जंग ने ही फैलाया है, ताकि वो उनको नुकसान पहुंचा सके और अपना बदला निकाले। अब यहाँ पर सेक्रेटरी जब बॉस को परेशान देखता है तो उससे कहने लगता है कि मुझे आइडिया आ गया, उस लड़की की कॉल इसलिए नहीं आई कि या तो उसके पास फ़ोन ही नहीं होगा या फिर उसके एरिया में नेटवर्क ही नहीं चलता होगा। और यहाँ पर यही बात से उनको बहुत अच्छी लगती है। वो कहता है कि क्यों ना कल ही हम उसे एक सेटेलाइट वाला फ़ोन भेज जिसमें मेरा नंबर भी रजिस्टर हो, कितनी अच्छी बात, वो इम्प्रेस हो जाएगी। लेकिन इतने में उसका एक और मैनेजर उसके पास आता है और टीवी न्यूज़ ऑन करके उसे दिखाता है कि एक्चुअली ओडिशान में इस वक्त स्टॉर्म आया हुआ है, वहाँ पर फ्लड आने वाला है। रियांग उसी टाइम पर पहाड़ों में अपने घर में बिल्कुल अकेली थी और वो बहुत डर रही थी, उसे हेल्प की ज़रूरत थी। इतने में कोई उसके दरवाजे पर आता, वो डर जाती है, लेकिन एक्चुअली वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो सेहून था, जो कि उसकी रेस्क्यू के लिए पहुंचा था। और उसे इस हालत में वहां देख वो जाती और उसे हक कर लेती है, और इसी बात सेहून भी बहुत टची हुआ था, उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वेल, अब नेक्स्ट सीन में वो उसे अपने साथ सियोल वापस ले आया था, स्पेशल प्रोटोकॉल दे रहा था, और पहली दफ़ा उसने किसी लड़की के लिए गाड़ी का दरवाज़ा भी खोला था। इसलिए सारे लोग अपना काम छोड़कर यही सीन देखने के लिए पहुंचे हुए थे कि बॉस अपने साथ किस लड़की को लेकर आया है। वेल, अब वो उसे ऑफिस में लेकर आता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए, देखो मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ, आज तक मैं किसी के पीछे 2 किलोमीटर भी नहीं चला और तुम्हारे लिए पूरा पहाड़ चढ़कर ऊपर आया था। अब सेक्रेटरी उसे समझाने लगता है कि सर आप ऐसे तो नहीं होते थे, आपका स्टाइल तो बिल्कुल डिफरेंट था, आप तो जोंक की तरह से इंसान को चिमट जाते थे, और जब तक उसे प्रेशराइज करके उसके अंदर से सारे काम नहीं निकलवा लेते थे तब तक हटते नहीं थे, यहाँ पर आप गलत स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। वो बॉस को बाहर निकालता है और खुद ही उसे समझाने लगता है। वो समझ गया था कि लड़की सीधी साधी है, उससे कहता है कि हम लोग एक स्कैंडल में आए हुए हैं और इसीलिए हम एक नई स्टार चाहिए ताकि हम अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकें। तो वो जो हटाकर अब वो हाथ पकड़ कर उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि देखो मेरे बॉस ने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया, बस इसी का बदला चुका दो, कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करो, सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो बना दो। इतने में ऊपर से सेहून पहुंच जाता है और वो बहुत जेलस होता है, जिस तरह से सेक्रेटरी रियांग का हाथ पकड़ कर बैठा हुआ था, वो उसे साइड पर धकेलता है और खुद ही उससे बात करने लगता है। और फिर उसके मनाने पर इन दी एंड रियांग मान ही जाती है और कहती है ठीक है कॉन्ट्रैक्ट नहीं सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो। वेल, वो उसे अब हर जगह विजिट कराता है, सबसे उसका इंट्रोडक्शन कराता है अपनी एजेंसी में, और उसका एक फ़ोटोशूट भी लिया जाता है। अब उसके बाद वो शाम को उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसके नए फ्लैट पर उसे छोड़ने के लिए जा रहा था, ये फ्लैट उसने स्पेशली उसी के लिए ही लिया था। रियांग उसका थैंक्स करती है, लेकिन वो जाते जाते उसे रोक कर कहता है कि देखो थैंक्स से काम नहीं चलेगा, बदला चुकाने के लिए तुम्हें मेरे साथ काम ही करना पड़ेगा। वो चला तो जाता है, लेकिन बाद में रियांग सोचती है कि बेशक ये पागल दिखता है लेकिन इतना बुरा नहीं, बहुत स्वीट इंसान है। यहाँ पर रियांग की हर चीज़ का उसने ख्याल रखा था, इवन के उसके लिए भी इतनी स्किन केयर आइटम्स रखी थी जितनी वो अपने लिए रखता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो रियांग को कॉल करता है कि नीचे आ जाओ हम इकट्ठे नाश्ता करेंगे, लेकिन वो कहती है कि मैं तो नाश्ता बना चुकी। अब वो तुरंत ही उसके फ्लैट पर पहुंच जाता है उसके साथ नाश्ता करने के लिए, देखता है तो दोबारा से 5 डिशेस थी। वो कहने लगता है सीईओ जंग के लिए तुमने क्यों 9 डिशेस बनाई थी, मेरे लिए हमेशा 5। अब यहाँ पर आगे से रियांग उससे कहने लगती है कि एक्चुअली उसने किमची सूप और सॉस को भी एक डिश ही गिन लिया था, वरना मैंने तो उसके लिए भी 5 ही बनाई थी। अब ये बात सुनकर से उनको इतनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती जितनी पहले कभी भी नहीं हुई थी। वो बहुत हंसता है और अपने साथ ज़बरदस्ती अपने मैनेजर और सेक्रेटरी को भी हंसाता है। वो
मगर दिखाते हैं कि सारी गर्ल्स आजकल बहुत जेलस थी और वो सोचने लगती हैं कि एजेंसी में इस नई आई लड़की को कुछ ज़्यादा ही प्रोटोकॉल मिलता है और वो उसके पास पहुँच जाती हैं, लगता है उसे बुली करने वाली थी, अपने साथ कहीं ले जाती हैं। और यही बात थोड़ी देर बाद सेहून को भी पता चल जाती है कि बाकी गर्ल्स उसे अपने साथ कहीं लेकर गई हैं। वो परेशान हो जाता है कि वो सीधी सादी लड़की पता नहीं क्या होगा उसका और उसे तलाश करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि रेयोंग बहुत स्मार्ट है और वो उन गर्ल्स की ब्यूटी की इतनी तारीफ करती है कि वो वहीं बड़ी फ्लैट हो जाती है और उसे भी अपने बीच एक्सेप्ट कर लेती हैं। और यहाँ पर जब सेहून उसकी केयर करने के लिए भागते हुए पीछे पहुंचा था तो सबको यही लगा था कि सेहून उसके लिए कोई स्पेशल जगह अपने दिल में रखता है। और यही बात सेक्रेटरी भी उसे समझाता है कि आप उसकी इतनी केयर मत किया करें। और इसी बात की वजह से सेहून उससे फासला रखना चाहता था और यही साबित करना चाहता था कि मैं उसे लाइक नहीं करता, ये सिर्फ एक पोटेंशियल स्टार है मेरे लिए। अब वो खुद नहीं जाता था बल्कि सेक्रेटरी को हमेशा उसका असिस्टेंट बनाकर भेज देता था। एक्चुअली वो इस तरह से अपनी ही फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा था। अब आल्दो सेहून ज़्यादा सामने तो नहीं आता था रेयोंग के, लेकिन फिर भी उसकी पूरी पूरी खबर रखता था और उसे उसकी फिक्र भी लगी रहती थी कि वो कैसी परफॉर्मेंस कर रही है, क्या वो सबके बीच इजी है, क्या वो सीख पा रही है और आज कहाँ जा रही है। एक दिन उसे मालूम पड़ता है कि मिंजू और दूसरी गर्ल्स उसे आज अपने साथ क्लब लेकर गई हैं। उसे बहुत फिक्र होने लगती है, वो तो भागा भागा जा रहा था। लेकिन सेक्रेटरी उसे समझाने लगता है कि अगर आप ऐसे उसके सामने आए तो उसे फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा उस पर पहरा देने लगे हैं। और यहाँ पर वो छुप के उसे देखने लगता है। उसने शॉर्ट स्कर्ट पहली दफ़ा पहनी थी और गर्ल्स उसके साथ काफ़ी घुली मिली नज़र आ रही थी। और यहाँ पर खुद को उससे छुपाने के लिए कि वो उसे देख ना ले, वो सेक्रेटरी को हक कर लेता है और काफ़ी देर तक वो लोग इसी पोजिशन में रहते हैं जब तक वो वहाँ से चली नहीं जाती। अब सिर्फ एक ही बंदा नहीं था जिसने रेयोंग पर नजर रखी हुई थी, बल्कि सीईओ जंग भी था जिसने ये सारा कुछ देखा था और उसे इतना अंदाजा जरूर हो गया था सेहून के लिए रेयोंग बहुत प्रेशियस है और लगता है कि उसके लिए फीलिंग्स भी डिवेलप करने लगा है। वेल, अब सेहून उसे मिलने के लिए तो नहीं आया था, लेकिन उसे रात को फोन कॉल जरूर करता है और वो काफी खुश हो जाती है, जो काफी देर से उसका वेट ही कर रही थी और सोच रही थी कि उसे क्या मैसेज करे। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास लिविंग एरिया में मैंने एक टैब भी रखा है और उस टैब पर वो उसे वीडियो कॉल पर बात करने को कहता है। यहाँ पर वो दोनों आपस में अभी बात कर ही रहे थे कि इतने में बाहर डोर बेल होती है और रेयोंग जाकर बाहर दरवाज़ा खोल देती है। वो चिल्लाता रह जाता है कि ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलना, लेकिन इतने में उसे कुछ गिरने की भी आवाज़ आती है। अब से उनको बहुत फिक्र होने लगती है और वो तुरंत ही उसके फ्लैट पर पहुंच जाता है। उसे पासवर्ड पता था और दरवाज़ा खोलते ही सीधा अंदर घुस जाता है। पहले तो वो उसे हक कर लेता है, उसे जब ठीक ठाक देखता है, लेकिन एक्चुअली वो उसे बहुत डांटता भी है कि इस तरह से कौन दरवाज़ा खोलता है, ये तुम्हारा विलेज नहीं है, ये सेओल है, यहाँ पर हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन एक्चुअली सेहून कुछ ज़्यादा ही पोजेसिव हो रहा था। वो बेचारी फ़ोन जो रख के गई थी वही फ़ोन नीचे गिरा था जिससे गिरने की आवाज़ आई थी। लेकिन इसी बात पर वो उसे इतना डांट देता है कि तुम खुद को समझती क्या हो, तुम यहाँ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती, तुम पहाड़ों से आई हुई एक लड़की हो जो बिल्कुल जंगली है। उसकी ये बातें सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है। वो उसे जाने से रोकता है और कहता है, तुमने मुझ पर दो दफ़ा हाथ उठाया है, अब क्यों मुड़ रही हो, अगर गुस्सा आ रहा है तो दोबारा से वैसे करके दिखाओ ना। और यहीं पर ही वो उसकी तो नज़रों में ही खो जाता है और वो यही सोचने लगता है कि मेरा दिल इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है और मेरे माइंड को क्या हो गया, मेरी आइज़ को क्या हो गया है। फिर वो खुद को किसी तरह से काबू में करता है और उससे कहने लगता है कि पता नहीं कभी कभी मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, स्पेशली जब तुम्हारी सुरक्षा की बात आती है। और बस इतना ही कहता हुआ वो खोया खोया उसके फ्लैट से बाहर चला जाता है। वो बस यही सोच रहा था कि कभी कभी उसे क्या हो जाता है, वो नहीं रहता जो वो पहले था रेयोंग के लिए सिर्फ। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली वहाँ पर जूंग आया था और जूंग ने नज़र रखी हुई है रेयोंग के फ्लैट पर, ये सारा कुछ करने के लिए उसे सीईओ जंग पे भी कर रहा है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सेहून अपने ऑफिस में पहुंचता है तो वहां पर पूरी वॉल पर एक बहुत बड़ी सी फोटो लगी हुई थी और वो थी रेयोंग की, जो कि उसके सेक्रेटरी ने उसके लिए एक सरप्राइज रेडी किया था। वो उसे फोन करके काफी डांटता है, लेकिन सेक्रेटरी कहता है कि जो मैंने देखा वो कर दिया, मुझे तो यही लगता है कि आपको इस फोटो की बहुत जरूरत है, वरना आप सारा दिन अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाते जब तक रेयोंग को नहीं देखते। वेल, अब नेक्स्ट डे से रेयोंग की रिहर्सल स्टार्ट हो जाती है जो उसने म्यूजिक वीडियो शूट करानी थी। वो एक रोमांटिक गाना था जो कि वो कुछ बैंड के बॉयज के साथ शूट करा रही थी। ये सब करते हुए वो काफी इंजॉय भी करती है और सारे लोग भी बहुत फ्रेंडली थे, पर वो रोमांटिक गाना सुनते हुए पता नहीं क्यों बार बार उसके माइंड में सिर्फ एक ही शक्ल आ रही थी और वो थी सेहून की। लेकिन वो सेहून को बहुत मिस भी कर रही थी, वो अक्सर नजर ही नहीं आता था ऑफिस में भी और उसकी रिहर्सल देखने तो वो आया ही नहीं था। वेल, अब उसके बाद शाम को रेयोंग कहीं बाहर जाती है।
एक्चुअली जूंग ने उसे मिलने के लिए बुलाया था और साथ में सीईओ जंग भी था। और यहाँ पर वो उसे मिलते हैं और उसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगते हैं कि जैसे सेहून एक अच्छा आदमी नहीं है, वो उसे यूज करेगा और उसके काम की जब नहीं रहेगी तो टिश्यू पेपर की तरह से उठाकर उसे बाहर फेंक देगा। सीईओ जंग उसे कहने लगता है कि देखो मैं पहले तुमसे मिला था और मेरा अधिकार ज्यादा बनता है, मैंने तभी देख लिया था कि तुम स्टार बनने वाली हो, लेकिन जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन में थी मैंने तुम्हें कोई फोर्स नहीं किया। और वो यही रियलाइज कराता है कि मैं कोरिया का सबसे बड़ा स्टार मेकर हूँ और तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहो तो तुम्हें सेहून के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ करना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पर ऊपर से सेहून पहुंच जाता है। उसे कैसे पता चला था? एक्चुअली उसने पूरी पूरी नज़र रखी हुई थी रियोंग पर और उसे ये भी पता चल गया था सीसीटीवी फुटेज के थ्रू कि उस वक्त रात के टाइम पर उसके घर पर कोई और नहीं बल्कि जूंग ही आया था और जूंग सीईओ जंग के लिए काम कर रहा है। वो यहाँ पर उनके सामने जाकर बैठता है। रियोंग के सामने तो उनका काफ़ी लिहाज करता है, लेकिन इतना ज़रूर वो जंग को कह देता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मुझसे तो डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट करो और मुझसे मुकाबला करो, रियोंग को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद वो रियोंग को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में गाड़ी में बैठकर वो उसे दिल की बहुत सारी बातें कर देता है। कहता है कि मैं ऐसा पहले कभी भी नहीं था जैसा मैं अब हो चुका हूँ, मुझे कभी किसी की इतनी परवाह नहीं रही थी, लेकिन पता नहीं शायद तुम इस दुनिया की हो ही नहीं, सियोल में तो तुम कभी रही नहीं, लगता है कि तुम 21st नहीं बल्कि 18th सेंचुरी की हो, तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो अभी तक समझ चुकी होती और मुझे कुछ भी ना बोलना पड़ता। अब एक दफा तो रियोंग को गुस्सा आने लगा कि मुझे बहुत कंजर्वेटिव कह रहा है पुराने जमाने की लड़की, लेकिन फिर भी उसे अभी तक समझ ही नहीं आई थी। वो बाहर जाकर खड़ा होता है तो वो आकर उसे कहने लगते कि तुम चाहते क्या हो। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो मेरे से, लेकिन रियोंग कहने लगते कि इस बारे में नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। अब सेहून, लोग तो उससे अपॉइंटमेंट भी महीना महीना पहले ले लिया करते थे, उससे एक लड़की पूछ रही थी, उसका इतना कुछ कहने के बावजूद भी वो उससे पूछ रही थी कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। अब उसकी ईगो बीच में आ जाती और वो उससे कहने लगता कि बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है। और बस उसके बाद वो पहुंच जाता है अपने साइकेट्रिस्ट के पास, जो उस बेचारे का थोड़ा बहुत दिमाग बचा था वो भी खाने के लिए। और अब की दफ़ा तो उसका प्रॉब्लम और भी कॉम्प्लिकेटेड था। पहले तो उसे अपने और प्रॉब्लम्स बताया करता था, आज उसे अपने दिल की बीमारी के बारे में बता रहा था। अब डॉक्टर बेचारा तो अपना सर ही पीट के रह जाता है, लेकिन उसे हंसी बहुत आती है कि अब पहली दफ़ा ये भी सफ़र कर रहा है और इसे अपनी फीलिंग्स समझ नहीं आ रही, एक्चुअली ये वन साइडेड लव ही तो है। वैल, अब सेहून खुद को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो तो कभी लव में पढ़ ही नहीं सकता, लेकिन क्या करता, जब भी कहीं पर वो रियोंग को देखता था रेजिस्ट नहीं कर पाता था। एक दफ़ा वो रिहर्सल कर रही थी तो भी शीशे में से चोरी चोरी काफ़ी देर तक उसकी स्माइल को देखकर खुद भी स्माइल कर रहा था। अब एक दिन रियोंग एक इंटरव्यू देख रही थी और उसके थ्रू उसे पता चलता है कि सेहून वो कितना हॉट है सियोल में, और वाकई लोग उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं उसे मिलने के लिए, लड़कियों की लंबी लाइन है जो उसके पीछे लगी हुई है। यहाँ पर वो अपने साथ के बॉयज से पूछने लगती कि अगर कोई लड़का कहे कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता तो इसका क्या मतलब है, हो सकता है कि वो आपको लाइक करता भी हो। लेकिन वो बॉयज आगे से कह देते हैं कि अगर कोई बॉय कह दे कि मैं लाइक नहीं करता तो इसका यही मतलब होता है कि वो नहीं करता, और इवन बॉयज इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि कभी कभी वो आई लाइक यू बोल भी देते फिर भी उस लड़की को लाइक नहीं करते होते। वेल, अब ये सारी बातें रियोंग को तो समझ नहीं आ रही थी, वो बहुत कंफ्यूज थी। लेकिन यहाँ पर सेहून ने उस पर पूरी पूरी नजर रखी हुई थी, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाती थी, कहीं बाहर आउटिंग पर जाती थी तो वो हमेशा उसे देखता रहता था, लेकिन उसे ये चीजें बहुत बॉदर करती थी कि अगर कोई लड़का उसके करीब या उसके क्लोज आने की कोशिश करता था। अब वो आज बार में गई हुई थी, लेकिन यहाँ पर सेहून का माइंड था जो कि कंट्रोल हो ही नहीं रहा था। उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि वो इतनी सीधी सादी है, कोई उसका एडवांटेज ना उठा रहा हो। उसके पीछे जाने से खुद को रोकने की कोशिश करने लगता है कि मेरे कदम आगे ना ही बढ़े तो बेहतर है, और ये सारा कुछ उसका सेक्रेटरी भी नोटिस कर रहा था। वो उसे काम डाउन होने को कहता है, लेकिन सेहून खुद को रोक ही नहीं पा रहा था रियोंग की फिक्र करने के लिए। उधर रियोंग भी देख रही थी कि आजकल वो बहुत बिजी है और मुझसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं करता, वो भी लोनली फील कर रही थी। अब एक दिन वो उसे ऑफिस में देखती है तो उसके पीछे भागती है अपनी रिहर्सल छोड़कर, उसका हाथ पकड़कर उससे कहने लगती है कि बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा था। वो बोलने लगता है मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, तुम्हें बताया भी था एक दफा। अब वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन जाते जाते बहुत प्यार से उसके बालों में अपना हाथ भी फेरते जाता है, और उसके बाद वो साइड पर जाकर अपने हाथ पर बहुत चिल्लाता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई बिना मेरे परमिशन के ऐसी हरकत करने की। और यहाँ भी सेक्रेटरी की नज़र अपने बॉस पर ही थी। अब वो उसके पास जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं समझ गया आपकी बीमारी के बारे में, आप लव सिक हो चुके हैं।
अब आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें कि आप उसे लाइक करते हैं तो ही बेहतर होगा और उसके दिल जीतने की कोशिश करें। अब सेहुन भी शायद उसकी बात मानने को रेडी हो ही गया था और वो अपनी सेक्रेटरी से यही क्लासेस लेने लगता है कि उसे कैसे रियोंग के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। और उसी टाइम पर रियोंग की म्यूजिक वीडियो की शूटिंग चल रही थी। यहाँ पर वो अगर किसी को बहुत मिस कर रही थी तो वो सेहुन था। चाहती थी कि वो सामने आता और उसकी ये शूटिंग लाइव देखता। उसे उसकी बहुत याद आती रहती है, लेकिन फाइनली उसकी शूटिंग बिल्कुल ठीक पूरी हो गई थी। अब अपनी शूटिंग पूरी करके जैसे ही फारे होकर बाहर आती है तो वहीं पर ही उसे जूंग की कॉल आती है उसके विलेज और घर के बारे में। अब हमें ये बात नहीं पता चलती, लेकिन कॉल खत्म होते ही वो सीधी जाती है सेहुन के कमरे में, जो कि उसे देख कर कहने लगता है कि तुम डायरेक्टली मेरे ऑफिस में आने में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कशन कर रहा था। इस बात पर उसे इतना गुस्सा आता कि वो जो स्नैक्स उसके पास बहुत प्यार से लेकर आई थी उसको पकड़ाती है, गुस्से में वहां से निकल जाती है। जबकि सेक्रेटरी इस टाइम पर बॉस को फोकस करने को बोल रहा था, वो उसे उसकी बहुत सारी बुराइयां गिनवाता है कि आप किस तरह से सोशल नहीं है, पोलाइट नहीं है, जेंटल नहीं है कि कल को आप रियोंग का दिल जीत सके। वेल, अब अपनी पूरी क्लास लेने के बाद वो नेक्स्ट डे एक बुके पकड़े रियोंग के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हुआ था, लेकिन बुके तो उसने तुरंत ही साइड पर फेंकवा दिया था क्योंकि उसे फ्लावर्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था। उसे वो सिर्फ प्लांट्स पर उगे हुए अच्छे लगते थे। अब पहला स्टेप तो उसका फेलियर रहा था। उसके बाद वो उसे अपने साथ एक जगह लंच कराने के लिए लेकर जाने लगता है और कोशिश करता है कि वो एक जेंटलमैन बना रहे। गाड़ी से उतरता है और उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोल रहा था जैसा सेक्रेटरी ने उसे सिखाया था, लेकिन उससे पहले ही रियोंग दरवाजा खोलती है और बेचारे को बुरी सी चोट लग जाती है। अब यही था कि लड़की से आगे नहीं चलना बल्कि उसके साथ साथ चलना, लेकिन लड़की खुद बहुत तेज चल रही थी, इवन कि वो उसके लिए रेस्टोरेंट का दरवाजा भी नहीं खोल पाता। और तो उसने उसके लिए चेयर भी होल्ड करनी थी और ये भी वो नहीं कर पाता, बल्कि कुछ ऐसा एक्ट कर देता है जिसकी वजह से वो इम्पोलाइट दिखाई दे रहा था। अब रियोंग का वो दिल जीता उससे भी ज्यादा लग रहा था कि रियोंग को वो खड़ूस इंसान लग रहा है। वह फाइनली खाना आ जाता है और यहाँ पर खाने पर उसकी तवज्जो ज्यादा नहीं थी बल्कि रियोंग पर ही थी। वो बार बार उसे देखे चला जा रहा था और बस उसकी नजरों में खो चुका था। रियोंग उससे कहने लगती है कि आज तुम बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है आखिर। और फिर उसके बाद उसे यही बताने लगती है कि तुम्हारे साथ मेरी ये सारी जर्नी बहुत अच्छी रही, मैं कल वापस जा रही हूँ। और उसकी ये बात सुनकर वो एकदम हैरान रह जाता है। उसका शूट कम्प्लीट हो गया था और अब उसका यहाँ पर रहने का कोई मायने नहीं बनता था। वो कहती है कि मुझे वापस जाना है, मुझे एक जरूरी काम है, लेकिन वो बेचारा इतना शौक में था ये भी नहीं पूछ पाता कि क्या जरूरी काम है। रियोंग उसकी जगह बिल भी खुद पे करने की कोशिश करती है तो वो आकर अपना कार्ड दे देता है। अब जैसे ही वो बाहर आती है तो वो उससे कहने लगता है कि तुम इस तरह एक्ट इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि मुझे तुम कितनी सुंदर लगती हो। अब क्या करता, इतनी देर पोलाइट नहीं रह सकता था, ओवर रिएक्ट कर बैठता और उसकी नेचर बाहर आ जाती है। वो उसे पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में डालता है और उसकी बेल्ट भी खुद ही बांधता है और कहता है एक और शब्द नहीं बोलना। अब वो उसे उसके फ्लैट तक ड्रॉप कराया था, लेकिन उसके बाद वो घर आकर बहुत रोता है और सेक्रेटरी बस उसे चुप ही कराता रह जाता है और तसल्ली देता रहता है। सेहुन को लग रहा था कि लाइफ में पहली दफा फेलियर उसके सामने आया है। आज तक कोई भी ऐसा टास्क नहीं था जो वो कम्प्लीट ना कर सका हो, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो लव लाइफ में इतना फ्लॉप हो जाएगा। वेल, अब नेक्स्ट डे वो कुछ लिरिक्स सुन रहा था, लेकिन इस तरह के गाने उसे पहले बिल्कुल भी नहीं पसंद होते थे। सेक्रेटरी पहले ही डांटने लगता है कि ये बिल्कुल फजूल है, लेकिन आज पहली दफा उसे ये गाना पसंद आ जाता है। उसे लव सॉन्ग्स और सैड सॉन्ग्स पसंद आने लगे थे। जबकि उधर रियोंग को अपने गाँव में एक पार्सल मिलता है और इस पार्सल में उसे वही फोन मिला था जो कि उसे लेकर दिया था सेहुन ने। और ये फोन भिजवाकर उसने इतना ही कहा था कि अभी मेरे किसी काम का नहीं इसलिए तुम ही रख लो, लेकिन वो बाद में इतना तड़पता रहता है कि उसे फोन भेजने के बाद भी उसकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई थी। उसका तो मन भी किसी काम में नहीं लग रहा था, इवन कि जगह जगह उसे अपने स्टूडियो में भी रियोंग ही बैठी हुई दिखाई देने लगती है। वो जाने लगता है उसके पीछे, लेकिन सेक्रेटरी उसे रोकता है और कहता है कि इस तरह से आप बिल्कुल भी अच्छे दिखाई नहीं देंगे, लगेगा कि उसकी लाइफ को कंट्रोल करने लगे, थोड़ा शांत रहे। लेकिन वो बिल्कुल भी शांत नहीं रहना चाहता था। वो अपनी गाड़ी पकड़ता है और उसके विलेज में पहुंच जाता है, लेकिन उसका घर तो खाली पड़ा था, वहां पर कोई भी नहीं था। पता नहीं रियोंग कहाँ चली गई थी। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली रियोंग अपना वो गाँव वाला घर छोड़कर जा चुकी है। और जाते जाते वो एक दफा सेहुन को कॉल करके ये बात बताना चाहती थी कि यहीं पर ही जो उसे रोक देता है और उससे कहने लगता कि तुम्हारा सिर्फ एडवांटेज उठा रहा था और तुम्हें नहीं पता था ये एंटरटेनमेंट फील्ड के सारे लोग सिर्फ अपनी मन मर्जी से ही सब कुछ करते हैं, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं होता, जब तुम उनके यूज की नहीं रहोगी तो तुम्हें फेंक देंगे।
इसलिए तुम्हें चाहिए एक नॉर्मल लाइफ गुजारो और इनसे फासला रखो। अब रियान का मन तो नहीं मान रहा था इन बातों को, लेकिन फिर भी वो एक नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करना चाहती थी। उधर सेक्रेटरी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लाया था और यही बात जाकर वो बता देता है सेहून को कि एक्चुअली उसके ग्रैंडफादर के गुजर जाने के बाद अब उसकी एक आंटी ओवरसीज से वापस आई थी और उन्होंने उसे अपने पास ही रख लिया है क्योंकि माउंटेन्स में इस तरह से अकेले एक लड़की का रहना सेफ नहीं था। लेकिन फिर भी इससे उनको बहुत दुख होता है कि वो जाते जाते एटलीस्ट मुझे बता ही जाती। अब मेरे पास उसके कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं, मुझे पता ही नहीं कि वो कहाँ रहती है, उसका क्या नंबर है। अब बेचारा सेहून दोबारा से देवदास बनकर पहुंच जाता है अपने साइकेट्रिस्ट के पास। साइकेट्रिस्ट कहने लगता है कि लगता है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन वो कहता है ब्रेकअप क्या होना था, मैंने तो कभी उसे डेट भी नहीं करी। अब अपना सेशन लेने के बाद वो जैसे ही वहां से निकलता है तो उसी टाइम पर हम देखते हैं कि रियांग भी सेओल में ही फिर रही थी। एक्चुअली वो अपनी आंटी के साथ एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है और बस वो अपनी एक नॉर्मल सी लाइफ कंटिन्यू करे हुए थी। लेकिन उसे तो ये अंदाजा ही नहीं था कि उसके प्यार में पागल से हूँ इस वक्त बिल्कुल क्रेजी हो चुका है। भी ज्यादा क्रेजी हालत में तो उसका सेक्रेटरी बैठा हुआ था जिसे उसने कमरे से बाहर निकाल दिया था और खुद वो रोए जा रहा था और खुद को ही दोष दे रहा था कि काश मैं उसे डायरेक्टली कह देता कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं, मैं उसे लाइक करता हूं। मैंने क्यों बोला कि तुम एक स्टूपिड क्वेश्चन कर रही हो, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। हाँ, फाइनली एक दिन रियांग की वही म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हो जाती है जो कि वो अपने रेस्टोरेंट में खड़े हुए देख रही थी और काफी खुश नजर आती है। अब उसी टाइम पर रेस्टोरेंट में वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर भी बैठा हुआ था। उसे एक फोन कॉल आती है और पता चलता है कि सेहून उसे देखने के लिए सेशन लेने के लिए आया है। वो तुरंत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है ठीक है उसे बिठाओ, मैं अभी आता हूँ और आज मैं कोई शर्म लिहाज नहीं करने वाला। अब उसकी बात सुनते ही साइकेट्रिस्ट का दिमाग घूम जाता है, वो अपने बाल नोचता हुआ गुस्से में उसी तरफ जा रहा था और ये सारा कुछ रियांग भी देख लेती है और उसे ऐसे लगने लगता है कि जैसे ये एक साइकोपैथ है। अब सेहून उसके ऑफिस में बैठा हुआ था लेकिन आज साइकेट्रिस्ट जैसे उसे लड़ाई करना चाहता था वो उससे बिल्कुल भी नहीं लड़ता, बल्कि सैड सैड सा शांत होकर बैठा रहता है और इस बात से साइकेट्रिस्ट का दिमाग और भी घूम जाता है। सेहून खामोशी से वहां से निकल जाता है और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बाहर के मौसम में भी आजकल फॉल हो रही है। उधर रियांग भी आज किसी लड़के के पीछे भाग पड़ती है क्योंकि उसे उसकी शक्ल में सेहून दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही मुड़ती है तो वाकई सेहून उसके पीछे खड़ा हुआ था। पहले तो सेहून को लगने लगता है कि जैसे ये रियांग नहीं है बल्कि मेरी नजरें दोबारा से मुझे धोखा दे रही है, इल्यूजन है, लेकिन इतने में साइकेट्रिस्ट उसे कन्फर्म कर देता है तो वो खुश हो जाता है। अब वो दोनों एक साइड पर जाकर बैठ जाते हैं और इससे पहले कि सेहून कुछ भी बोलता वो उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है पहले 3 मिनट मेरी बात सुनो। वो बताती है कि मैंने तुम्हें बहुत दफा बताने की कोशिश की, एक्सप्लेन करने की कि मैं अपना विलेज छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन तुम हर दफा गुस्से में आकर मुझे वहां से भेज देते थे और जाते हुए कार में भी बिठाकर तुमने बोला था कि एक शब्द नहीं बोला। और पता है तुम्हारे साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों नहीं कर सकी थी? क्योंकि मैंने अपने ग्रैंडपा से ये वादा किया था कि मैं इस म्यूजिक इंडस्ट्री में कभी भी नहीं आऊंगी। एक्चुअली उसकी मम्मी ने बचपन में उसे छोड़ दिया था इसी इंडस्ट्री के पीछे और बहुत से ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स भी जीत चुकी थी, लेकिन उसके ग्रैंडपा को उसकी मम्मी से नफरत थी क्योंकि वो अपने बच्चों पर अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दे सकी थी। वो कहती है कि आज भी मैं ग्रैंडपा से किया हुआ वादा निभा रही हूँ, मैं कभी भी इस फील्ड में नहीं आऊंगी, इसीलिए तुमसे क्या किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाली क्योंकि मुझे इस तरह से लाइमलाइट में आना पसंद नहीं, मैं एक नॉर्मल एक सादा सी लाइफ गुजारना चाहती हूँ जैसे हमेशा गुजारी थी। अब आगे से वो उसे कहने लगता है कि यही बात तो मुझे पहले भी बता सकती थी, ना मुझे इतनी टेंशन होती ना मैं तुम्हें देता। और फिर इसके साथ साथ वो उसके इस डिसीजन की रिस्पेक्ट भी करता है कि तुम्हारा जो मन चाहे तुम अपनी लाइफ में कर सकती हो। और फिर उसके बाद वो फेस पर एक स्माइल लाए उसके बालों को छूता है और बहुत प्यार से उसे कहता है तुम लाइफ में जो करना चाहो वही करो, लेकिन अगर कुछ ना बन पड़े और तुम्हें लगे कि तुम्हारा फैसला गलत था तो उस दिन मेरे पास आ जाना, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। अब उसके बाद सेहून जब वापस आता है तो सेक्रेटरी के सामने वो बहुत खुश था और उससे कहता है कि मेरी लाइफ में लगता है कि सारा कुछ सेटल होने जा रहा है और मैंने पहली दफा रियांग को इस तरह से जाना है जैसे पहले कभी भी नहीं जानता था। और वो कहने लगता है कि मुझे पता चल गया वो पुराने जमाने की ही लड़की है 18th century की। इतने में उसे एक फोन आता है और ये सुनते ही वो शॉक्ड रह जाता है और कहने लगता है कि नहीं नहीं वो इतने भी पुराने जमाने की नहीं है, वो बहुत लिबरल है, बिल्कुल भी कंजर्वेटिव नहीं, कह रही है कि मेरी आंटी घर पर नहीं है, घर अकेला है, तुम आ जाओ। अब वो दोनों इतना खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि पता नहीं किस बात के लिए रियांग ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया और वो भी अपने घर पर। वेल अब वो बहुत अच्छा सा रेडी होकर उसके घर पर पहुंच जाता है और आज रियांग ने पहली दफा उसके लिए 9 डिशेज बनाई थी जो कि वो कहती है कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी के लिए बनाई है।
वेल, अब वो दोनों इकट्ठे डिनर करते हैं और बहुत अच्छा टाइम गुजारते हैं। अब डिनर के बाद वो उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आती है। यहाँ पर सेहुन उससे कहने लगता है कि तुम में वो सारी क्वालिटीज हैं जो कि एक आइडियल वाइफ में होती हैं, और अगर मुझे अपनी लाइफ में कोई वाइफ चाहिए तो वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होगी। ये सुनते ही वो कहने लगती है, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? तो वो शर्मा कर कहता है, तुम्हें पता तो है, तुम इसे दोबारा से पूछने की कोशिश मत करो। और फिर उससे कहने लगता है कि मैं हमेशा ये बात तुम्हारे सामने एक्सेप्ट करने से शर्माता था। एक्चुअली जब भी तुम मेरे सामने आती हो मैं क्लम्सी हो जाता हूँ, मैं नहीं रहता जो बाकी दुनिया के सामने होता हूँ। अगर इसी को प्यार कहते हैं तो मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूँ। उनका ये रोमांटिक मोमेंट वहाँ पर रुइन होता है जब उसके घर के फोन पर एक कॉल आती है और वो सीईओ जंग की थी। अब ये देखते ही सेहुन की जालसी सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। इतना अरसा रियोंग ने उससे कांटेक्ट नहीं करा, लेकिन उसके घर का फोन नंबर सीईओ जंग के पास है और वो उसको साफ सीधी यही बात कहता है और गुस्से में उससे नाराज होकर वहां से निकल जाता है कि तुम्हारी लाइफ में सीईओ जंग की ज्यादा इम्पोर्टेंस है, मुझसे भी ज्यादा। अब वो सेक्रेटरी के पास गुस्से से पहुंचता है और उसे ये सारा कुछ बताता है। वो उसे काम करने के लिए कहता है कि देखो, सीईओ जंग की पर्सनैलिटी ऐसी है, हर कोई उसके साथ इजी और फ्रेंडली फील करता है क्योंकि वो काम डाउन रहता है, जेंटल स्पोकन है और हमेशा आप जल्दी से गुस्से में आ जाते हैं जैसा आपने आज किया था, इसलिए अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखें। जबकि दूसरी तरफ हमें मिंजू को दिखाते हैं, वो आज बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रही थी और फोन पर वो लगता है कि अपने बॉयफ्रेंड के बारे में रियोंग को बता रही थी और मिंजू उसे अपने साथ आज पार्टी पर इनवाइट कर लेती है। और यहाँ पर मिंजू से जब वो मिलने के लिए आती है तो सारे लोग बार में मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर आज रियोंग ने कोई फैंसी ड्रेसिंग नहीं की हुई थी क्योंकि ना तो वो स्टार थी ना ही उसका इंडस्ट्री से अब कोई लेना देना था। यहाँ पर दूर बैठा सेहुन उसे बार बार देखे जा रहा था। अब थोड़ी देर बाद वो देखता तो मिंजू ने जबरदस्ती रियोंग को बहुत अच्छा सा रेडी करा लिया था और वो आज बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। उसकी ये लुक्स देखकर वो तो बस उसे देखता ही रह जाता है। अब वो आगे आता है, लेकिन यहाँ पर वो रियोंग को जेलस कराने के लिए उससे कोई भी बात नहीं करता बल्कि मिंजू के बालों से खेलकर वहां से चला जाता है ताकि रियोंग को ये फील हो कि वो उसके लिए कोई स्पेशल प्लेस नहीं रखती थी, ये वो अपने सारे स्टार्स के साथ करता है। अब यहाँ पर बार में एक लड़की उसे रोकती है और उससे कहने लगती है कि मुझे पता है तुम किससे आजकल प्यार में पड़े हुए हो, और उसकी नजरें भी रियोंग की तरफ थी। यहाँ पर ये बात उसके क्लोज आकर कर रही थी। सेहुन भी उसके साथ एक्टिंग का हिस्सा बनने लगता है और उससे कहने लगता है कि आज मैं उसे भी तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसकी आंखों में आंसू आए। और इस तरह से वो उस गर्ल के काफी करीब हो जाता है और वो देख सकता था कि रियोंग की नजरों में भी जलसी आ चुकी है। अब हमें दूसरी साइड दिखाते हैं, बेचारी रियोंग, उसका कोई भी कसूर नहीं था। एक्चुअली सीईओ जंग उसकी आंटी को पहले से ही जानता था और वो जिस रेस्टोरेंट में काम करती थी और जिस घर को उन्होंने रेंट पर लिया हुआ था वहाँ दोनों का लैंडलॉर्ड वो ही था और इसीलिए उसका नंबर उसे पता चल गया था। वो बार बार उसे कन्विंस करने के लिए भी आता था कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, सिंगर नहीं तो एक्ट्रेस बना दूंगा। कभी कभी फोन पर भी उसे मनाने के लिए कॉल्स करता रहता था और इसके अलावा उसका और कोई रिलेशन नहीं था, उसने खुद से दोनों से नहीं करा था। अब बेचारी रियोंग को ये लगने लगता है कि जैसे उसके लिए सेहुन उसकी लाइफ से जा चुका है। वो सोचने लगती है कि वो एक डिफरेंट दुनिया से है और मैं एक और दुनिया से, शायद अब हम दोनों का आमना सामना भी कभी ना हो। बस इसी तरह से दिन बीतते चले जा रहे थे और कुछ दिनों से रियोंग की तबीयत काफी खराब थी। उसकी आंटी तो दोबारा से ओवरसीज गई हुई थी, वो घर पर अकेली थी और जब वो ज्यादा बीमार होती है तो उसे कोई और भी माइंड में नहीं आता, सिर्फ सेहुन आया था। वो तुरंत ही उसे कॉल करती और सेहुन तो पागलों की तरह खुश हो रहा था उसकी फोन कॉल देखकर। तो वो बताती है कि मेरे पास इस वक्त और कोई भी नहीं है और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, क्या तुम आ सकते हो? ये सुनते ही सेहुन बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत ही दौड़ता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। वो उसे थैंक्स करती है तो वो उससे कहने लगता है कैसी कोई बात नहीं, हमारे बीच थैंक्स सॉरी की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर वो जनरल वार्ड में थी और उसे शांति की जरूरत थी, लोग बहुत शोर कर रहे थे वहां पर आकर। वो जब सोने की कोशिश कर रही थी तो वो सारी रात उसके कानों पर हाथ रख के बैठा रहा था ताकि वो शांति से सोई रहे। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसका जब चेकअप कराता है तो उसके बाद जनरल वार्ड की बजाय उसे VIP रूम में ले जाता है। वो सारी रात उसके लिए जागता रहा था और अब भी बिल्कुल एक केयरिंग बॉयफ्रेंड की तरह उसका ख्याल रख रहा था। वो उसे बेड पर लिटाता, उसके शूज भी खुद उतारता है और ये सब करते हुए उसे याद ही नहीं रहता कि उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था। जैसे ही वो पहुंचता तो सेक्रेटरी कहने लगता है कि क्या आप अपने सेंसेस में नहीं, अपने बिजनेस को कौन इस तरह छोड़ता है, आपकी इतनी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थी और आप पहुंचे ही नहीं।
अब सेक्रेटरी का और सेहुन का रिश्ता भी कोई निराला सा ही था। वो दोनों एक दूसरे से सारा दिन लड़ते भी रहते थे और एक दूसरे की केयर भी बहुत करते थे। उधर हमें दिखाते हैं कि रियोंग के पास उसकी आंटी उसकी केयर करने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन वो उसे काफी छेड़ती भी है कि ये लड़का कौन है जो यहाँ पर सारी रात तुम्हारा ख्याल रखता रहा था। और साथ ही साथ वो उसे ये भी बताती है कि उसने हॉस्पिटल के सारे बिल भी चुका दिए हैं। लेकिन शाम को जैसे ही वहाँ पर सेहुन उसे देखने के लिए पहुँचता है तो पता चलता है कि उसका कमरा तो खाली पड़ा है, लेकिन वहाँ पर वो किसी और का गिफ्ट देखता है, एक क्यूट सा टेडी था, तो उसे पैर मार के गिरा देता है और अपना गिफ्ट वहाँ पर रख देता है। अब उसे पता चलता है कि वो बाहर ग्रीनरी में वॉक करने के लिए गई है, तो वो भी नीचे पहुँच जाता है। वो दूर से देख कर ही गुस्से में आ जाता है कि वहाँ पर एक डॉक्टर खड़ा उससे क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। अब सेहुन पहुंच जाता है और उसके साथ ऐसे बैठ जाता है कि जैसे उसका बहुत क्लोज हो। वो यही इंप्रेशन देना चाहता था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन डॉक्टर उसे चिढ़ाने के लिए कहने लगता है कि क्या ये तुम्हारा भाई है। तो बस सेहुन भी अपने स्टाइल में आ जाता है, उसे अपना कार्ड निकाल कर देता है और उससे कहने लगता है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी जो बॉस है ना, तुम्हारी प्रोफेसर, वो मेरे ही एरिया में रहती है, बहुत क्लोज फ्रेंड है। और पता है, मैं एक मिनट में तुम्हें चाहूँ तो जॉब से भी निकलवा सकता हूँ, इसलिए आइंदा याद रखना अपने पेशेंट से सिर्फ प्रोफेशनल बिहेवियर रखो। अब उसे तो वो वहां से धमका के रियांग से दूर कर देता है। अब यहाँ पर रियांग उससे पूछती है कि कल रात मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, इतनी लेट नाइट बुलाया, लेकिन वो आगे से कहने लगता है कि पता है मुझे तुम्हारी केयर करना और तुम्हारा मुझ पर डिपेंड करना कितना पसंद है। तुम अगर इस रीजन से पहले ही बिना वजह के मुझे कॉल करती तो मुझे इससे भी ज्यादा खुशी होती। अब वो यहाँ पर इतना जेलस था कि वो उस डॉक्टर की दी हुई शॉल उसके ऊपर से उतार कर फेंक देता है और इतनी सर्दी में अपना कोट उतार देता है और उसे वो पहना देता है और कहने लगता है कि इस डॉक्टर से फासला रखना। वो आगे से बोलने लगती है कि तुम इतना ओवर पोजेसिव क्यों हो जाते हो, उसे हमेशा से उसका इतना पहरा देना पसंद नहीं आता था, अब क्या करता। सेहुन भी इस बात पर दोबारा से गुस्से में आ जाता है और उनकी लड़ाई हो जाती है। पर सेहुन मुड़ता है और जाकर उसे किस कर लेता है। अब इस किस के बदले वो उसे एक थप्पड़ दे मारती है, लेकिन लगता है कि इस थप्पड़ के बाद वो पछता तो रही थी, लेकिन शायद ये उसका नेचुरल रिस्पॉन्स था क्योंकि सेहुन ने ये फोर्स्ड किस की थी। अब इस सब के बाद सेहुन जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तो इसी बारे में सोच रहा था और उसे बार बार याद आता है कि सेक्रेटरी उसे समझाता रहा था कि अपने टेम्पर को काबू में रखा करो, कल भी उसने ओवर रिएक्ट कर दिया था, थप्पड़ तो लगता है उसका हक बनता था। वेल, अब जैसे ही रियोंग डिस्चार्ज हुई थी तो मिंजू उससे मिलने के लिए आती है। वो पहले भी उससे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में डिस्कशन करती थी, आज बताती है कि उसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया है। और वो जैसे ही उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की कहानी सुनती है तो उसे बार बार सेहुन का ख्याल आ रहा था और उसे ऐसे लगता है कि सेहुन की फीलिंग्स भी मेरे लिए जेन्युइन है। मिंजू बेचारी इस वजह से रिजेक्ट होकर बहुत दुखी थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का कहना था कि हम लोग अलग दुनिया से हैं। वो सुपरस्टार थी और इसी वजह से वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। और यहाँ पर रियोंग को भी ख्याल आने लगता है कि इसी बात की वजह से वो सेहुन को खुद से दूर रखती थी क्योंकि वो अपोजिट दुनिया से है। सेहुन भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था और इसी बात में वो उससे फासला रखती थी, शायद उसका दिल तोड़ रही थी। इतने में सेहुन भी वहाँ आ जाता है और मिंजू को अपने साथ लेकर चला जाता है। वेल, अब एक दिन मिंजू रियोंग को एक मैसेज करती है और उससे कहती है कि कहीं देर ना हो जाए, तुम्हें पता है सीईओ सेहुन ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, वो चाइना जा रहा है, पता नहीं कब वापस आएगा, शायद हमेशा के लिए। अब वो बहुत तड़पती है और बार बार उसे कॉल करती है, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा था। एक्चुअली वो अपने फोन के करीब नहीं था, उसे लगता है कि उसका दिल टूट गया है इसलिए उसने इतना बड़ा स्टेप लिया है। वो भागती है उसे मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन यहीं पर ही रास्ते में बारिश स्टार्ट हो जाती है और एक गाड़ी से वो टकराने ही वाली थी कि उसे कोई आकर बचा लेता है और ये होता है सेहुन। वो तुरंत ही उसे हक कर लेती है और उससे कहने लगती है कि बेशक हम दोनों बहुत डिफरेंट हो, तुम स्ट्रेंज हो, ओवर पोजेसिव हो, लेकिन सच ये है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ बिल्कुल उतना ही जितना तुम मुझसे करते हो। अब उसके मुंह से वो कन्फेशन जैसे ही सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है, उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है। अब सबसे पहले तो उसे वाइप करता है ताकि उसे ठंड ना लग जाए और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम दोबारा बोल सकती हो, पता है ये सुनने के लिए मेरे कान कितने तरस गए थे। और फिर उसके बाद उन दोनों की किसिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर कोई बेचारा था जो बाहर सर्दी में बारिश में बैठा हुआ था और वो था सेक्रेटरी, जो कि खुद ही वॉलंटियरली उस गाड़ी से बाहर निकल आया था ताकि उन दोनों का रोमांस थोड़ा आगे बढ़ सके। अब यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअली मिंजू ने एक चाल चली थी, उन दोनों का प्यार भी उसी की तरह ब्रेकअप में ना बदल जाए इसलिए उसने झूठ बोला था। सेहुन तो सिर्फ 3 दिनों के लिए चाइना जा रहा था। उधर सीईओ जंग को दिखाते हैं, पहले वो सिर्फ दिखता बुल था और अब उसकी नाक से धुआं भी निकलने लगता है जैसे उसे पता चलता है कि सेहुन और रियोंग दोनों डेट कर रहे हैं। और फिर इतने में सेक्रेटरी आता है और दिखाता है कि तुम दोनों की खबर आउट हो चुकी है, देखो सारी दुनिया को तुम्हारे बारे में पता चल गया है स्कैंडल का कि तुम दोनों डेट कर रहे हो।
ये सारा कुछ सीईओ जंग नहीं कराया होगा। यहाँ पर सेक्रेटरी तो मशवरा देता है कि आप दोनों शादी कर लो जल्दी से, लेकिन वो कहने लगता है कि इतनी जल्दी ये सब नहीं हो सकता, अभी तो हमने डेटिंग स्टार्ट की है, अभी तो मैं उसकी आंटी से ऑफिशियली मिला ही नहीं, और वैसे भी कुछ ना कुछ करो, किसी तरह से मेरी रियोंग को इन स्कैंडल से निकालो, वो ऑर्गेनिक गर्ल है, उसे ये सब पसंद नहीं आएगा। वो सेक्रेटरी को ऑर्डर देकर चला जाता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि एक्चुअली सेक्रेटरी ने इस सारे स्कैंडल का जुगाड़ कैसे निकाला था, और वो ये था कि अपनी और सीईओ सेहोन की फोटोज मीडिया में लीक कर दी थी और ये खबर फैला दी थी कि वो दोनों तो गे हैं। अब सेहोन उस पर बहुत गुस्सा करता है और चिल्लाता है कि मेरा मतलब ये भी नहीं था कि तुम मेरे इमेज और रेपुटेशन को पहले से भी ज्यादा खराब कर दो। लेकिन सेक्रेटरी कहने लगता है कि आप इतने गुस्से में थे कि जो मेरे मन में आया मैंने कर दिया, लेकिन एटलीस्ट आप दोनों को फ्रीडम तो दिला दी कि आप दोनों दिल खोल कर डेट कर सकते हो, अब जो भी दाग मेरे करेक्टर पर लगा है। और बस उसके बाद दिखाते हैं कि सेहोन और रिया दोनों इकट्ठे काफी कुछ नजर आ रहे थे और अब मीडिया उन पर नजर भी नहीं रखे हुए था, और इस तरह से उनकी हैप्पीली डेटिंग स्टार्ट हो जाती है और ड्रामे की एंडिंग भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।